ओम शांति। हम इस सृष्टि पर बहुत बहुत भाग्यवान हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। कदम कदम पर हमारी पद्मों की कमाई जमा होती है, इस बात को शायद बहुत लोग ठीक से नहीं समझते हैं। यही सत्य है कि अगर हर कदम उठाते हम योगयुक्त रहें या शरीरी होने की प्रैक्टिस करते रहें तो हमारा भाग्य जमा होता रहता है। पुण्य कर्मों से हमारा बहुत भाग्य जमा होता है और भगवान के कार्यों में सहयोग देने से तो हमारे भाग्य की रेखा बहुत ही श्रेष्ठ बन जाती है। कोई ये भी सोच सकता है कि भगवान के पास तो बहुत पैसा है, उसे धन से सहयोग देने की क्या जरूरत, अपना दें, आपका भाग्य खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो भाग्य निर्माण के लिए बाबा बच्चों का सहयोग लेता है कि जिधर धन लगे उधर बुद्धि लगे मन लगे। ये भी सोचने की जरूरत नहीं मेरा धन कहाँ यूज हुआ। ये सब संकल्प करने से मेरापन रहता है और हमारे पुण्य क्षीण होते जाते हैं। हम ईश्वरीय कार्यों में सहयोग करते चलें और अपने भाग्य की रेखाएं लंबी खींचते चलें। तन का भी अभिमान न रहे, तन सेवा में लगे तो तन का श्रेष्ठ भाग्य भी जन्म जन्म के लिए प्राप्त हो जाता है, अर्थात तन संपूर्ण स्वस्थ रहेगा, तन का भी हमें सुख रहेगा। आत्मा इस तन में बैठकर अपने को ऐसा महसूस नहीं करेगी कि पिंजरे में आ गए, सुख का अनुभव होगा। हम श्रेष्ठ भाग्य बनाते चलें, अनेकों को भगवान से मिलाते चलें, उन्हें सत्य मार्ग दिखाते चलें। लोग सोचेंगे कि आज तो सत्य मार्ग जानने के लिए लोग तैयार ही नहीं हैं, वो अंधेरे में चलने को ही प्रकाश का मार्ग समझ रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, विषय विकारों के गर्त में गिर रहे हैं, फिर भी संभलने का नाम नहीं लेते। परंतु हम पात्र देखें, देवकुल की आत्माएं तो ज्ञान की प्यासी हैं, वो बाबा की ओर आकर्षित हो रही हैं, उन्हें खोज हो रही है सत्य की ओर चलें। कहाँ है सत्य, कहाँ मिलेंगे हमें हमारे प्राणेश्वर परमपिता। उन्हें पहचान कर उन्हें सत्य मार्ग पर लाना है, उन्हें प्योरिटी की ओर बहुत आकर्षण होगा। जैसे ही हम ये बताएंगे कि तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, वो इस ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। दूसरों को सन्मार्ग दिखाकर हम अपने और दूसरों के श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते रहें। हम बुद्धि का भी निर्माण करते हैं ज्ञान बल से हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। अपने को देखें सतयुग से, परम धाम से जब हम आत्माएं पहले सतयुग में आई, कैसे कैसे नीचे उतरते आए हैं। जरा इसको फिल्म की तरह देख लें, कैसे आत्मा एक देह छोड़कर दूसरे में, वो छोड़कर तीसरे में, फिर चौथे में, परिवार बदलते आए, संबंध बदलते आए। फील होगा शरीरीपन, देह का भान खत्म होता जाएगा। तो हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं, सवेरे उठते ही हम स्वयं को इस संकल्प से चार्ज कर दिया करें। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जिन्हें आँख खुलते ही प्रभु का मिलन होता है, जिन्हें आँख खुलते ही अमृत पान करने को मिलता है, जिनका भाग्य बनाने के लिए
स्वयं भाग्य विधाता उपस्थित रहता है। इस नशे में हम जितना आगे बढ़ेंगे और स्वयं को चार्ज करेंगे, उतना ही हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा और अंततः हम मास्टर भाग्य विधाता बन जाएंगे। तो आज सारा दिन हम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे। अपनी पूरी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की फिल्म को जरा देखेंगे और जब हम कलयुग के अंत में आए तो भगवान आकर हमारे साथ ही बन गए, वो हमसे कंबाइंड हो गए। हम याद रखेंगे सर्वशक्तिवान मुझसे कंबाइंड है। ओम शांति।